बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बादामी। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ द पंचुएशन। तो गाइस, रोज का जो हमारा टॉपिक होता है पंचुएशन, उसके जो सिंबल्स हैं हम वो उसके यूजेज आपको लोगों को बता रहे हैं और यूजर्स को ऑडियंस को। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो हमारा देश और इन्वर्टेड कामा के मुतालिक है। तो आज की क्लास हमारे देश और इन्वर्टेड कामा के मुतालिक है, उनके मुतालिक उनका यूजेज में आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बताने से पहले, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद बादामी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को ऑल कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, तो हमने जो निशानियां पढ़े थे, जो सिंबल्स हम पंचुएशन के पढ़े थे, हमारे जो पहला नंबर पे था ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे हमारे फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का भी जो मैंने लेक्चर दिया है कॉमा, कॉमा के बाद हमारा लेक्चर आता है कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद आज जो हमारा है डैश को। आज डैश का मतलब है कि खाली निशानी, खाली जगहों को ऊपर कीजिए, जैसे उर्दू में आता है ना खाली जगहों को ऊपर कीजिए, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को फर्क कीजिए। जैसे कि यहाँ पे यूजेज मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे अली डैश बॉय, अली डैश बॉय, अली उसके बाद इज यूज होगा, अली इज अ बॉय, अली अली डैश ए बॉय, अली इज ए बॉय। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्लैंक है वो खाल है, जो हमारा डैश डैश हमारा जो है इज़ और यूज़ होगा, अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे भी इज़ का जो है हमारे ब्लैंक्स में इज यूज़ होगा, इज़ अ। तो ये जो था आज डैश का यूजेज। उसके बाद हमारा आता है इन्वर्टेड कामा, तो उनका भी यूजेज आप लोगों को बता दें, यूजर्स को और ऑडियंस को। उसके बाद में हमारा आता है इन्वर्टेड कामा, तो इन्वर्टेड कामा का यूजेज जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन में यूज़ होता है। तो वो मैंने आपको जो मैं लेक्चर दे के आया था वो जो हमारा है कंप्लीट हो गया है नेविशन, तो नेविशन का लेक्चर दिया था। इधर भी वो ही सेंटेंस हैं उनके यूजेज के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम इल इन्वर्टेड कामा बंद, उसने कहा मेरा तबीयत खराब है, उसने कहा मेरा तबीयत खराब है। और ये जो है हमारा नेविशन डायरेक्ट का सेंटेंस है, जब इसको हम जो है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कामा वगैरह हमारे जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है ना हमारा टॉपिक ही इन्वर्टेड कामा है, तो इन्वर्टेड कामा हमारे यही रहेंगे, ही से तुमी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम इल इन्वर्टेड कामा बंद। उसके बाद हमारा आता है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अनवेल इन्वर्टेड कामा बंद, इसने कहा आज मैं तबीयत सही नहीं है क्योंकि मैं अनवेल हूँ, क्योंकि आज जो है मेरा तबीयत में कोई मज़ा नहीं है, इसे आप मीनिंग समझे। तो ये जो है इन्वर्टेड कामा यहाँ पे यूज़ हुआ है, इन्वर्टेड कामा में जो बंद है हमारा उसे रिपोर्टेड स्पीच का आ जाता है, और ही सेड टू मी को हमारे जो है
रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो आज जो थे मैंने हम आपको डैश आपके ऑडियंस के लिए डैश और इन्वर्टेड कॉमा का लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत ही ये आसान नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ा सा इसमें तवज्जो देना है, इंशाल्लाह वन बाय वन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास को हम यही पे करते हैं, तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ बादामी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को ऑल कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ बादामी को।